तो भाई माशाल्लाह ईद पे हिंदुस्तान में आप रौनक देख सकते हैं कितनी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप ये बताएं कि हर साल हम ईद पर ईद की नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तान आते हैं अपने प्यारों के पास जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे लेकिन इस साल नहीं है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनके बगैर कैसी रूढ़ी रूटी ईद लगती है आपको? ईद सईद के मौके पर जहाँ आप अपने जिंदा लोगों अजीज रिश्तेदारों को याद रखते हैं वहाँ अपने मरहूमिन को भी याद रखना चाहिए और नमाज की अदायगी के बाद अपने मरहूमिन अपने प्यारों की खबरों पर जाकर फातह पानी करनी चाहिए और उनके अजर सवाब में इजाफे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दरमियान बुलंद फरमाए। ये वही मरहूमिन हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और आज ये मानो मट्टी के नीचे सोए हुए हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हमें अपने वालदैन से मिलने के लिए कब्रिस्तान आना पड़ता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालदैन समेत जितने भी लोग जान फानी से पर्दा फरमा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अच्छा आप ये बताएँ कि जिनके वालदैन अभी हयात हैं आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी खिदमत करें? वालदैन एक नेमत हैं, उनकी ज़िंदगी में ही कदर करनी चाहिए वरना कुछ लोग होते हैं जो जिनको मिलने के लिए कब्रिस्तान अपने वालिदैन से मिलने के लिए कब्रिस्तान आना पड़ता है।